हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 50 mm के कैनन के लेंस से हम बैकग्राउंड को ब्लर कैसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कैनन 50 mm वाला लेंस है और मैंने इसको ऑटो फोकस वाले मोड पे अभी सेट किया हुआ है। ये STM वाला लेंस है, देख सकते हैं आगे से। तो जो STM वाला लेंस है तो वो साइलेंट रहता है, तो जब आप वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करोगे तो उसमें नॉइस नहीं आएगा। तो बेसिकली हम देखेंगे कि वीडियो में आप बैकग्राउंड ब्लर कैसे कर सकते हो। तो अभी मेरे पास कैनन EOS RP वाला मिररलेस कैमरा है, बट अगर आप कैनन का कोई और भी कैमरा यूज़ कर रहे हो, सब में प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम है गाइस, ठीक है। अब हम मेनू के अंदर जाएंगे, तो मेनू के अंदर जो शूटिंग मोड है उसको हमें मैनुअल सेलेक्ट करना है। तो अगर आप D600D, 500D या 550D या बाकी सब यूज़ कर रहे हो, तो आपको इसमें शूटिंग मोड को जाके फुली मैनुअल को सेलेक्ट करना है। अगर आप उसको सेलेक्ट नहीं करोगे तो वो ऑटो मोड पे शूट करेगा, ऑटो मोड पे कैमरा अपने आप से डिसाइड करेगा कि क्या उसका एपर्चर रखना है, क्या शटर स्पीड रखनी है और क्या ISO रखना है। तो आप जाके उसको मैनुअल मोड पे करो। तो मैं इस पे गया मैनुअल मोड पे, तो आप देख सकते हैं ये वाला ऑटो मोड है। तो अगर आपने कुछ भी चेंज नहीं किया, बाय डिफॉल्ट आपका ऑटो वाले मोड पे होगा। हर कैमरे में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, बट बेसिकली करना क्या है, आपको इसको फुली मैनुअल मोड पे डालना है। तो आप इसमें मैनुअल एक्सपोजर पे इसको सेलेक्ट कर दीजिए। D600D में भी आपको ये ऑप्शन इजीली मिल जाएगा, ऑटो से आप मैनुअल में सेलेक्ट कर दीजिए और उसको आपने कर दिया, ठीक है। तो फिर आप अब जब ये वीडियो देखेंगे तो आप इसमें देखिए कि इसमें F1.8 का एपर्चर ये दिखा रहा है। तो अगर आपको इस एपर्चर को चेंज करना है, आप देखो मैंने अपर्चर को बढ़ा दिया, अब ये 9 हो गया। तो बेसिकली अगर आपको बैकग्राउंड को ब्लर करना है तो आपको इसकी जो एफ की वैल्यू है सबसे कम रखनी है। तो अगर आपके पास 50 mm का प्राइम लेंस है तो उसका सबसे छोटा अपर्चर F1.8 है, तो आप इसको F1.8 पे सेट करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। तो आप देखो मैंने इसको F1.8 पे सेलेक्ट किया है, तो बैकग्राउंड कितने अच्छे से पूरा का पूरा ब्लर हो गया, आपको पीछे का कुछ भी नहीं दिख रहा, देखो सब कुछ ब्लर्ड है। अभी देखो इसको जैसे फोकस में किया, देखो बैकग्राउंड पूरा का पूरा ब्लर हो गया, ठीक है। अब लेकिन मैं अगर इसको एपर्चर की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो आप देखना कि आपका बैकग्राउंड भी पूरा क्लियर विजिबल हो जाएगा। अब देखो मैंने इसको F 12-13 पे कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि जो इसके पीछे दरवाजा है वो भी आपको मतलब क्लियरली दिख रहा है। देखो पीछे की सारी चीज़ें, दीवार भी आपको अच्छे से दिख रही है। तो अब आपको ब्लर करना है, आप इसको F1.8 पे लेके जाइए। अब देखो ये अपने आप इसको फोकस में लेगा और देखो पूरा पूरा बैकग्राउंड अच्छी तरीके से ब्लर हो गया। और ये अभी मैं वीडियो मोड में हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इसमें शटर स्पीड भी चेंज कर सकते हैं आप इस पर। अगर आपका टच स्क्रीन वाला है तो आप इसको टच करके भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको शटर स्पीड को अभी 60 कर दिया, ठीक है। और यहाँ से भी आप अपर्चर को बढ़ा सकते हैं, मैंने इसको यहाँ से डायल से मैंने इसको बढ़ाया था, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं अगर आपका टच स्क्रीन वाला कैमरा है। बट अगर आपके पास 600D है या 550D है तो उसमें टच स्क्रीन काम नहीं करता। तो उस केस में आप ये जो आपके डिफरेंट ये जो डायल है, आप यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बात है, आप यहाँ से करें या वहाँ से करें। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम वीडियो में बैकग्राउंड ब्लर करते हैं। अब मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ और यही वीडियो की रिकॉर्डिंग में ये वाली जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें भी डाल दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको कहीं और पॉइंट करता हूँ, जैसे कि अब मैं जैसे बैकग्राउंड है ना वहाँ पे टच करता हूँ, तो अब देखना वो क्लियर हो जाएगा और ये ब्लर हो जाएगा, ठीक हो। उसने बैकग्राउंड को फोकस में ले लिया और ये जो मेरा मेन सब्जेक्ट था ये अब ब्लर्ड हो गया। लेकिन अगर हम किसी इंसान की फोटो खींचना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हम फोकस इंसान पे रखना चाहेंगे। तो मैंने इस पर टच किया, अब यहाँ पे फोकस आएगा तो बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। और एक और चीज़ है, जितना आप अपने सब्जेक्ट के करीब होंगे, जैसे कि अभी इसके और इसके बीच में आप देखो ये सामने रखा हुआ है मेरा ये जो डॉल है, और मैं इससे ऑलमोस्ट 1 मीटर से कम की दूरी पे हूँ। लेकिन अगर मैं इसके और ज़्यादा करीब जाऊँगा तो और ज़्यादा मुझे बैकग्राउंड ब्लर मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली
आपको सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा पास जाना है और बैकग्राउंड को दूर रखना है। तो जितना बैकग्राउंड दूर होगा और जितना सब्जेक्ट आपके करीब होगा और जितना आप इस F1.8 जो वैल्यू है अपर्चर की वैल्यू को जितना आप कम रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। तो ठीक है गाइज, आपको आई होप समझ में आ गया हो कि आपको मैक्सिमम बैकग्राउंड ब्लर निकालना है तो क्या 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। इसकी F1.8 की वैल्यू रखनी है आपको, ठीक है। शटर स्पीड फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी शटर स्पीड रख लो, चाहे आप 1:30 रख लो, चाहे आप इसको 1:120 रख लो, शटर स्पीड से बैकग्राउंड ब्लर में कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये जो एफ वाली वैल्यू है ये आपकी सबसे कम होनी चाहिए। तो F 50 mm वाला लेंस यूज कर रहे हो तो आप इसको F1.8 रखो, तब तो आपको सबसे ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। और ये जो आपका कैमरा है और ये जो आपका सब्जेक्ट है जिसको आप फोकस में रखना चाहते हो, इसके और इसके बीच की जो दूरी है वो कम से कम रखो, ठीक है। और जो आपका बैकग्राउंड है जिसको आपको ब्लर करना है वो आप ज्यादा से ज्यादा दूर रखो, ठीक है। तो आप अपने सब्जेक्ट के ज्यादा से ज्यादा करीब जाओ और बैकग्राउंड दूर रखो और F1.8 की वैल्यू रखो सबसे कम अपर्चर, तो आपको सबसे ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इंस्टाग्राम पे जाओ मेरे को फॉलो करो, कोई भी क्वेश्चन हो मेरे को वहाँ पे आप जाके मैसेज करो। तो फिर हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में, कोई भी क्वेश्चन हो तो बताना, मैं बता दूंगा वीडियो।